मंसूर वात्सल्य आश्रम गृह में सुशीला नामक महिला का देहांत हो गया। वहीं सुनील बंसल के पुत्र ने अंतिम संस्कार करवाया। रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य अंतिम यात्रा में शामिल हुए। वृद्ध महिला सुशीला देवी मंसूर जिले के ही रलायता गांव की निवासी है। वहां के सरपंच ने इस महिला को एक वर्ष पूर्व ही वृद्धा आश्रम वात्सल्य धाम में लाकर सुपुर्द किया था। पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, जिन्होंने आज रविवार सुबह 10 बजे अंतिम सांस ली। वात्सल्य आश्रम में मौजूद अनामिका जैन और महिलाओं द्वारा पूरे हिंदू रीति रिवाज से शीला देवी को अंतिम विदाई दी। महिला के बारे में वात्सल्य आश्रम द्वारा समाज सेवी सुनील बंसल को सूचना दी गई कि सुशीला देवी नामक महिला का अंतिम संस्कार करवाना है, मगर सुनील बंसल का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण अहमदाबाद के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। जिसकी सूचना उनके पुत्र को मिली तो उन्होंने पिता की जवाबदारी को पूरा किया और महिला का हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सारा क्रियाकर्म कर अंतिम संस्कार करवाया। वात्सल्य धाम में पिछले एक वर्ष से रलायता निवासी वहाँ के सरपंच साहब ने इसको एक वर्ष पूर्व वृद्धाश्रम में हमारे वात्सल्य धाम में इनको पहुँचाया था। पूर्ण रूप से निराश्रित थे, कोई परिवार का कोई हमें ऐसा नहीं था। सरपंच साहब के द्वारा इन्होंने वहाँ वात्सल्य धाम में आए थे और अभी विगत कुछ समय से ये बीमार भी थे और अभी हरिद्वार की यात्रा भी हमने इनको वात्सल्य धाम के माध्यम से करवाई थी और जब उसको बीमार थे और कल रात को ही ये इनका देहावसान हुआ है। सुबह 10 बजे के करीब देहावसान हुआ है और हम सब रेडकास्ट परिवार वाले और सुनील जी बंसल के पुत्र हैं सलभ जी के माध्यम से सब माध्यम से आज इनका अंतिम संस्कार विधि विधान से पूर्ण रूप से विधि विधान से जो कि उनका स्वास्थ्य उत्तम नहीं है, वो अहमदाबाद में उपचार उनका हो रहा है। आज मेरा सुबह ही अहमदाबाद से आना हुआ, मुझे वात्सल्य धाम से दीदी का फ़ोन आया था कि सुशीला देवी पिता शांति लाली का आज ध्यान सुबह हो गया है, इनका दाह संस्कार करना है। तो मैं सभी सामग्री लेके और हमने विधि विधान से यहाँ मुक्ति धाम पे इनको लेके आए हैं, यहाँ इनका दाह संस्कार किया जाएगा। कैसा लग रहा है जो आज आप पिताजी की जगह आप आए हैं? कि उनका जो संकल्प है वो एक मंसूर के लिए एक उद्देश्य है कि सभी इससे जुड़े, तो इसी को आगे बढ़ाने के लिए ये संकल्प आगे। मंसूर से पीडी बैरागी की रिपोर्ट।